हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो फिर से यदि आपके पास मोबाइल है, लैपटॉप नहीं है एंड दोस्तों यदि आप अपने वीडियोस को मोबाइल से एडिट करते हैं तो दोस्तों आपके पास सिर्फ दो एप्लीकेशन होंगे जो कि दोस्तों मेरी दृष्टि में बहुत अच्छे एप्लीकेशन है। एक होता है पावर डायरेक्टर एंड दूसरा होता है काइनमास्टर। ओके, तो फिर से यदि आप दोनों में से कोई एक एप्लीकेशन वीडियो एडिटिंग के लिए यूज करते हैं, अब दोस्तों इनमें बात आती है कि ये एडिटिंग एप्लीकेशन तो बहुत अच्छे हैं लेकिन इनमें फुल एचडी क्वालिटी में वीडियो बनाने के लिए, फुल एचडी क्वालिटी में वीडियो एक्सपोर्ट करने के लिए एक सेटिंग होती है, हमें उस सेटिंग को ऑन करना होता है, तभी आप इन एप्लीकेशन पर फुल एचडी क्वालिटी में वीडियो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में वही चीज़ बताने वाला हूँ, वही सेटिंग बताने वाला हूँ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। चलिए, तो फ्रेंड्स वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही जरूरी भी है आप लोगों के लिए। यदि आप न्यू क्रिएटर हैं एंड आप काइनमास्टर का यूज़ कर रहे हैं तो वीडियो के एंड तक जरूर देखिए। चलिए फिर चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, फिर वहाँ से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताता हूँ कि आपको अपने काइनमास्टर में फुल एचडी क्वालिटी में वीडियो कैसे एक्सपोर्ट करना है। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर एंड दोस्तों यहाँ पर आपको करना क्या, सबसे पहले काइनमास्टर पर जाना है। ओके, एंड काइनमास्टर पर जाने के बाद जैसे ही काइनमास्टर कुछ इस तरह से ओपन हो जाता है तो आपको एक काम करना है सेटिंग पर जा करके। तो दोस्तों आप सेटिंग पर जा करके आपको यहाँ पर ये करना है, देख सकते हैं यहाँ पर जो डिवाइस कैपेबिलिटी इन्फॉर्मेशन है। तो दोस्तों इस पर जाना है एंड इस पर जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर थ्री डॉट से रन एनालिसिस नाउ पर कर देना है, यदि आपने रन एनालिसिस नहीं किया है। ओके, तो दोस्तों रन एनालिसिस करने के बाद अब आपको क्या करना है, सबसे नीचे आ जाना है एंड सबसे नीचे आ जाने के बाद यहाँ पर एडवांस एंड एक्सपेरिमेंटल सेटिंग है। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर आपको कर देना है कंटिन्यू एनीवे। ओके, तो यहाँ पर कंटिन्यू एनीवे कर देते हैं हम, तो ये सभी आपको बंद मिलेगी। ओके, तो जब आपके बंद मिलती हैं तो आपको करना क्या है, यहाँ पर दो ऑप्शन है, तो अलाउ एक्सपोर्ट फ्रेम रेट्स हायर देन 30 FPS, तो आपको इसे ओके कर देना है यानी कि ऑन कर देना है। और जो सबसे नीचे है अनलिमिटेड वीडियो लेयर्स मोड, तो आपको इसे भी ऑन कर देना है और इस तरह से आपको कर देना, ठीक है ना। अब दोस्तों करना क्या है, जब आप कोई वीडियो एडिट करते हैं तो मान लीजिए मैं एक वीडियो एडिट कर रहा हूँ, तो वीडियो एडिट करने के बाद यहाँ पर एक चीज़ है, आप देखेंगे यहाँ पर भी एक सेटिंग आती है, ये जो शेयर का ऑप्शन है जहाँ से हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो एक्सपोर्ट करने के ऑप्शन पर आपको करना क्या है, इसे 720 पर रखना है, आप देख सकते हैं HD 720p और इस फ्रेम को 50 पर रखना है। ओके, एंड दोस्तों यहाँ पर रखने के बाद आपको नीचे देख सकते हैं जो बाइट रेट का ऑप्शन है, तो इस बाइट रेट को आपको यहाँ पर एट लीस्ट, यदि बड़ा वीडियो है तो एट लीस्ट 8 MBPS का करना है, MBPS का करना है, ठीक है ना। आप देख सकते हैं यदि आपका वीडियो बड़ा है तो कम से कम 8.01 MBPS का करना ही करना है, और यदि आपका वीडियो छोटा है 1 या 2 मिनट का तो आप इसे फुल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एंड दोस्तों ये सब सेटिंग सेट करने के बाद आपको एक्सपोर्ट यहां से कर देना है, और दोस्तों अब जो वीडियो आप एक्सपोर्ट करेंगे तो वो वीडियो फुल एचडी क्वालिटी में होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें एंड इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।